हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट है वोकल वाई फोकल सब्जेक्ट वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो गया या फिर आपका जो कंप्यूटर साइंस हो गया तो उस रिगार्डिंग मैं आपको कुछ गाइडेंस देने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे मेरा जो मैंने पहला वीडियो, वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ डाउट्स थे और बच्चे लोग को कि अभी टेंथ हो गया मेरा या फिर मेरा ट्वेल्थ हो गया तो अभी सोच में पड़ गया तो अगर मैंने कुछ एक सब्जेक्ट लिया अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो मेरा ट्वेल्थ के बाद क्या फ्यूचर है या फिर मैं ये इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो भी है एक पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा आगे कुछ एक पर्टिकुलर जिसको जाना है स्ट्रीम में वो उसमें जा सकता है क्या वगैरह और मतलब ऐसे फिर इजी है कि नहीं सब्जेक्ट सीएस सब्जेक्ट इजी है कि नहीं ऐसा सब मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस था तो वो कमेंट्स का क्यों नहीं जो है मैं वो सेशन करने वाला हूँ आज इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आप बिकॉज पिछला वीडियो में जो बताया था उसको एक एडअप करके हम लोग एनहेंस करके जो क्वेश्चन थे आपके आ, कमेंट्स में जो भी थे क्वेश्चन तो उसके रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करने वाले तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कोई बोलूँगा चैनल को, को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको एलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का जो भी आपको अगर आप लोगों ने अगर चूज़ किया सपोज़ तो आगे अगर आपको चाहिए रहेगा तो बेसिकली मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको वीडियोस वगैरह जो भी है अपडेट्स या फिर आ, कुछ क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड हुआ या फिर थियरील कन्सेप्ट रिलेटेड हुआ न्यूमेरिकल्स हुआ जो भी है, आपको इस चैनल में मिल सकता है आपको ठीक है जो भी है इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इसमें अपलोड करते रहूँगा तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग का कन्फ्यूजन है बहुत बच्चों को कि आफ्टर टेंथ और ट्वेल्थ क्या करूँ मैं जाहिर सी बात है जो भी जिसको अगर साइंस तो अभी ये जो सब्जेक्ट्स है साइंस के अंडर कंसर्न में है तो साइंस जिसने लिया रहेगा तो उनको साइंस के बाद फिर से एक कंकुशन आता है कि अभी मैं क्या करूँ वो ब, वोकेशनल सब्जेक्ट्स में लूँ क्या नहीं लूँ बायफोकल सब्जेक्ट्स लू क्या नहीं लूँ ओके लू लू? तो उसमें अभी देखते हैं हम लोग फिर से आ, सोच में पड़ेंगे पर इसमें इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स तो बेसिकली कैसा होता है आपका कि जो सब्जेक्ट्स है बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स तो बेसिक दोनों में कैसा नॉर्मल uh, है मतलब एक ईजी टाइप बोल सकते हो आप बट uh, और इसमें ऐसा नहीं कि आपको एकदम से स्टार्टिंग में सब एकदम से वास्ट uh, सब सिलेबस डाल देंगे बिकॉज इट्स अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो एक प्रॉपर आपको आपके लेवल के हिसाब से उन लोग ये करेंगे तो और एक बात है कि आ, मैं इतना बोल सकता हूँ आप लोग कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी है बेसिकली ठीक है ना तो तो इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है भाई इंटरेस्ट आपका इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में छेड़खानी करना आर करना जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था तो वैसा है कि आपको कंप्यूटर्स में बस कोडिंग वगैरह करना या फिर आपने अगर नाइन्थ और टेंथ में कुछ अगर कंप्यूटर्स में अगर आपको हुआ रहेगा आई का आई का तो आई रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्टेड है प्रोग्रामिंग uh, करना या कोडिंग करना वगैरह तो आप लोग क्या कर सकते हो या फिर आपका अगर माइक्रो प्रोसेसर लेवल में या आई चिप्स लेवल में अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग उसमें कंप्यूटर uh, साइंस भी ऑप्ट uh, कर सकते हो बेसिकली और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसा हो गया सर्किटरल थ्योरम हो गया लॉ गेट्स हो गए लॉजिक गेट्स जो आपने पढ़े थे थोड़े बेसिक्स हो गए तो डिजिटल सर्किट्स जिसको बोलते हैं अपन वही सर्किट्स वगैरह ही आ गए इसमें भी तो उसमें अगर है तो आप वो भी ले सकते हो ठीक है तो बाक़ी मैंने जैसा बताया जिसमें आपका एक्सपर्टीज है जो फील्ड में आप उसको कर सकते हो चूज ठीक है तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं कमेंट्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं तो कमेंट्स का मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो देखो यहाँ पे जैसे कि बच्चे लोगों ने कमेंट किया जैसा एक बंदे ने किया है रक्षक करके एक बंदा है तो उन्होंने वही पूछा है कि सी एस मैं विदाउट कोचिंग के पढ़ सकता हूँ क्या डेफिनेटली पढ़ सकते हो आप लोग जैसा आप लोग को लगता है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री और वैसे बहुत सारे इधर क्लासेस भी इतना है नहीं कि जिधर आपको ये सब बाईफोकल और ऐसे मतलब मोस्ट प्रोबेबल आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा करके आपको पी सी एम भी कहीं मिलेंगे दैट इज़ फ़िजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब मैथ्स वगैरह तो ये सब सेल्फ प्रिपरेशन ही कर लेते हैं ज़्यादा बच्चे लोग और किधर किधर जिधर स्पेशल रिक्वेस्ट पे या फिर कोई कोई बैच अगर रन करते क्लास हो गया या इंस्टीट्यूट्स हो गए तो उधर आपको मिलता है ठीक है नहीं तो भी आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को तो मैं जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट सब तो वैसे डीप में डिटेल में अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं आपको मैं ट्राई तो करूँगा वैसे पर नहीं तो भी मैं आप लोग के लिए इसमें आ, एक बेसिक Uh, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है या फिर मटेरियल्स uh, हो गया या फिर इंपॉर्टेंस वगैरह हो गया या फिर क्वेश्चन uh, पेपर्स मेरे चैनल में तो ऑलरेडी हैं आप लोग देख सकते हो सिलेबसिस भी पढ़ा हुआ है मेरे चैनल में आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हो फिर मैंने चैप्टर्स uh, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट कर दिया तो आप लोग उसमें स्टार्ट करें मतलब uh, फ़ायदा कर सकते हो आप लोग उसका फिर बाद में फिर से उन्होंने पूछा है कि लैपटॉप ऐसा कुछ जरूरी नहीं भाई लैपटॉप नेसेसरी है क्या कंप्यूटर साइंस के लिए तो लैपटॉप ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है आप लोग का कंप्यूटर रहना ही चाहिए बेसिकली कैसे आता है आप कॉलेज में भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं कंप्यूटर साइंस का जो लैब में आपको जो कंप्यूटर लैब में जो भी होता है प्रैक्टिकल्स उतना भी इनफ है क्योंकि आई के भी आपको सब्जेक्ट्स में भी रहेगा तो उसमें भी आप वो भी नॉलेज रहता है तो ये भी नॉलेज तो कंप्यूटर लैब्स में प्रैक्टिकल्स तो होते ही हैं तो आप दोनों मैनेज कर सकते हो फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ट्वेल्थ uh, इलेक्ट्रॉनिक्स uh, एक नकुल साहू ने पूछा है कि ट्वेल्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एरोनाटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं क्या बेसिकली देखो इसमें कुछ बंधन नहीं है कि आप uh, ये सब्जेक्ट लिया तो वो नहीं ले सकते एक्चुअली क्या है ना बेसिक आपको मैं बता देता हूँ क्लियर कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो भी है दो मार्क्स का होता है जो भी आपका टोटल एक मार्क्स का अगर होगा तो सिक्स फिफ्टी या कुछ एक अराउंड है ऐसा तो उसमें से दो सौ मार्क तो यही कवर कर लेता है तो दो सौ मार्क ऐसा पूरा तो मिलेगा आपको ऐसा गारंटी नहीं है बट आपके स्टडी के ऊपर है पर ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबल आपको इसमें चला जाता है मतलब वन फिफ्टी अराउंड वन फिफ्टी प्लस ही जाता है कैसा है पर उसमें आपका थोड़ा एवरेज uh, परफॉर्मेंस तो रहना चाहिए नहीं तो फिर कम भी हो सकता है बॉस अगर प्रैक्टिकल में आप थोड़े भी बहुत अगर एक्टिव uh, रहें और uh, आपने थियरी भी किया अच्छे से मतलब थोड़ा मीडियम में किया इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भी किया तो भी आपको जा सकता है बेसिकली ठीक है ना तो आ, कैसा है तो इसमें आप 200 मार्क्स में से जैसा आगे इसमें बताऊंगा मैं पैटर्न का तो भी आ जाएगा तो इसमें स्कोरिंग मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसलिए ट्वेल्थ में मतलब ये इंक्लूड करके आप इसका हेल्प लेके आप मार्क्स को टोटल अप करके आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये करके आप आगे जा सकते हो बस उसने के लिए ही है बेसिकली ठीक है ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट लिया तो वो नहीं ले सकते ऐसा कुछ नहीं है तो एरोनॉटिक भी ले सकते हो सब कुछ ले सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिया तो भी ले सकते हो अगर आपने बेसिकली कंप्यूटर साइंस लिया तो भी ले सकते हो बस इतना है कि आपको सी uh, ई का ये सब जो होता है इंजीनियरिंग वगैरह के लिए क्या होता है सी के मार्क्स जे डब्ली ये सब के मार्क्स आपको इंपॉर्टेंट रहता है बेसिकली तो ये टोटल आपके लिए रहता है पर एक मिनिमम भी चाहिए रहता है आपने को 50 परसेंट वैसा मैनेज करना रहता है या वह जैसा जे के लिए आपको इसमें पी इसमें मार्क्स में, PCM, इस में, मार्क में फ़िज़िक्स और ये जो मार्क्स होता है उसमें आपको 150 टोटल करना पड़ता है तो ये सब ऐसा क्राइटेरिया रहता है बेसिकली फिर बाद में ट्वेल्थ इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं वेरी कर सकते हैं आपकोर्स कर सकते हैं ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कंप्यूटर साइंस लिया तो भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो भी कर सकते हैं आप फिर टेंथ क्लियर किया मैथमेटिक्स के साथ वोकेशनल सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए क्या हाँ ऑफकोर्स आप कर सकते हो बिकॉज वो सेपरेट जाता है पता नहीं अभी आपके कॉलेज में अगर अलग हो तो पर बेसिकली ऑलमोस्ट मैथ्स मैथ्स का इसमें साथ में जोग्राफी रहता है वैसे जिसको अगर मैथ्स नहीं करना रहता है तो वो जोग्राफी लेता है ऐसा होता है मोस्ट पॉपबल तो ये आप कंसिडर uh, कर सकते हो तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ा आपको मतलब हेल्प आउट हो भी जाएगा कि मैं थोड़ा भी पढ़ाई किया उसमें तो एक एवरेज आपको होने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ओके okay, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने जैसा बताया आपको डिजिटल सर्किट्स हो गया करंट थेरम्स हो गए जैसा डिमॉर्गस थेरम्स वगैरह उस हिसाब से फिर बाद में एम्पलीफायर क्या होता है आपका लॉजिक गेट्स फिर थोड़ा माइक्रोन लेवल पर थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर्स का भी आ जाता है कभी कभी फिर वही सब फिर मॉनिटर्स uh, क्या होते हैं सीआरटी मॉनिटर क्या होता है सिग्नल्स क्या होते हैं डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स वगैरह ये सब में अपने को इसमें खेलना रहता है सर फॉर एच एस सी ऑल्सो आर डी ओके हाँ बुक्स के बारे में ठीक है तो बुक्स जैसा बेसिकली आपको पता है तो मैंने जैसा बताया था कि आर डी सुपेकर का बुक है वो भी कर लिया आप लोगों तो भी इनफ़ है इतना कुछ ये नहीं क्योंकि आप लोग का मेन फोकस किस में रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में रहता है ठीक है ना तो बायो के बदले ये, आप लोग करते हो तो बेसिकली कैसा है तो इतना कुछ ये नहीं है आप लोग इसको हैंडल आउट कर सकते हो तो टी पी एस एक आता है सी एस के लिए तो उसके क्या है उसमें बेसिकली uh, आपको क्वेश्चन आंसर्स टाइप ही रहते हैं तो वो भी करके भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है तो और uh, बाकी आर डी सुपेकर बुक्स एक नॉर्मल कंसेप्ट वाइज आप अगर थेटिकली उसमें चैप्टर्स करते जाओगे तो भी वेल well एंड है वेल एंड गुड है कवर uh, अप हो जाएगा आपका फिर कभी भी कोई भी स्टडी ओके फिर जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग ओके हाँ मेरा अपलोडिंग हो गया है शुरू हो गया है बच्चे लोग ठीक है आगे का देखते हैं सर कंप्यूटर साइंस के लिए बुक हाँ मैंने वही पता है कंप्यूटर साइंस के लिए यू कैन टेक आर डी सू और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यू कैन टेक आर डी सू कंप्यूटर साइंस के लिए आप चाहिए तो एक एज एन ऑल्टरनेटिव आप क्वेश्चन आंसर सिर्फ टाइप ही करना चाहते हैं जैसा उसमें ट्वेंटी वन सेट रहता है बाकी सब्जेक्ट्स में वैसे ही इसमें आपको इसमें क्या है टॉपिक वाइज आपको सॉल्व पेपर्स सोल्यूशन वगैरह क्वेश्चन आंसर पैटर्न रहेगा तो आप टी भी ले सकते हो और या फिर ये भी ले सकते हो अगर वो लोग हैं आर्टिस्ट को तो बेटर है कि आपको एक कंसेप्ट समझेगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकोम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाना है तो कहते हैं बेटर पढ़ता है पहले से अगर पढ़ेंगे आप लोग तो आपको मदद मिलेगा वो सब फिर इलेक्ट्रिक्स इन एलेवेंथ पर हाँ ये क्या समझा नहीं मुझे इलेक्ट्रिक्स ठीक है मैंने रिप्लाई दिया है वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछ रहे तो फिर सर विच स्कोरिंग सब्जेक्ट ओके हाँ तो स्कोरिंग सब्जेक्ट देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक uh, है कि सी है जैसा कि आप लोग को मैं बता दूँ कि कंप्यूटर साइंस uh, uh, उसमें भी कैसा होता है कि एम टाइप्स के ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चंस तो उधर भी स्कोरिंग कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप प्रैक्टिकल्स वगैरह दोनों में प्रैक्टिकल्स रहते हैं जैसे मैं पैटर्न बताऊंगा आगे चाहिए तो स्कोरिंग है कि, तो एक्चुअली बोथ आर स्कोरिंग एक्चुअली 180 प्लस भी स्कोर इजीली कर सकते हो आप लोग बच्चों लो, अगर एक सिक्सटी भी आपने फिफ्टी भी पढ़ाई किया मतलब एक एक घंटा भी या फिर हफ्ते में भी आपने दो तीन घंटा भी पढ़ा और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहे आप और ये भी करते रहो तो भी आप लोग कर सकते हो और अगर जो स्मार्ट रहेगा स्मार्ट इनफ रहेगा तो लास्ट मंथ में भी एग्जाम के लास्ट वन और टू मंथ्स में भी फुल बुक ये करके पढ़ के भी कर सकता है बेसिकली तो सी एस बी स्कोरिंग है बिकॉज प्रैक्टिकल सौ मार्क का प्रैक्टिकल हो जाता है सौ मार्क का थियोरी हो जाता है तो प्रैक्टिकल में आप अगर थोड़ा भी बहुत किए हैं तो भी आपको मिल सकता है मार्क्स ठीक है ना और ऐसा नहीं है कि भाई जो बाकी के प्रैक्टिकल जैसा तीस मार्क के जैसा बस मिल जाएगा ऐसा नहीं है बट इसमें आपको करना पड़ेगा थोड़ा उसमें भी वैसे ही है इसमें भी वैसे ही है करना पड़ता है आपको ऐसा नहीं कि भाई गए हाँ प्रैक्टिकल में मिलने वाला है मार्क्स ऐसा नहीं है मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा सीखना पड़ेगा थोड़ा उधर करके दिखाना पड़ेगा एक्स्ट्रा मार्क्स को ठीक है तो स्कोरिंग का बता दिया मैंने आप लोग कर सकते हो 180 प्लस तक स्कोर कर सकते हो 200 में से और 150 भी कर सकते हो 180 भी कर सकते हो बिकॉज थियोरी 100 है तो 100 में से आप 70 तक ट्राई करो और इसमें ऑलमोस्ट 80 90 तक अगर अच्छे से आप प्रैक्टिकल करोगे तो भी आपका हो जाएगा और दोनों भी कर सकते हो बस इतना क्या है कंप्यूटर साइंस में कैसा होता है कि कंप्यूटर्स कैसा होता है कि आप लोग स्टार्टिंग में भी देखे रहते हैं थोड़ा सा आपका जो प्रोग्रामिंग थोड़ा किए है रहते हैं हम लोग एट्थ नाइन्थ टेंथ में भी थोड़ा और इंटरेस्ट भी रहता है ज़्यादा के बहुत जनों को कंप्यूटर्स में तो उस हिसाब से कंप्यूटर्स थोड़ा ईजी चला जाता है वैसे देखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा है? थोड़ा थेरम्स टाइप का इलेक्ट्रिसिटी टाइप का करेंट फ्लोइंग डायरेक्शन वगैरह सिग्नल्स वगैरह ये सब रहता है तो थोड़ा किसी किसी को डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं उसमें तो दिक्कत होता है तो उतना बोल सकते हैं उतना ही टफ़ का अपन बोल सकते हैं या फिर स्कोरिंग अनस्कोरिंग का बोल सकते हैं नहीं तो दोनों भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर है या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ओके इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी ठीक ही है इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक ही है बिकॉज दोनों भी स्कोरिंग है यहाँ पे फिर से और दोनों में भी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक का और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स का ही यूसेज रहेगा उसका जैसा अभी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में ए सी सर्किट्स क्या होता है इंडक्टर्स ट्रांसफर इंसुलेटर्स कंडक्टर्स फिर ट्रांसफॉर्मर्स फिर बाद में डी सी ए सी ये सब का स्टडी रहेगा करंट फ्लोइंग वगैरह डायरेक्शन ये सब ये सब उसमें रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स में ना तो अभी बताया पिछले बार तो ये सब होता है तो फॉर्म हाँ तो आप फॉर्म भर के है, कर सकते हो तो और उसके आगे कुछ है शायद नहीं है ओके तो यही था आपका कमेंट का क्यों सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया इधर तो इधर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो पर मेरे तो होप सो मैं आप लोग को पूरा कमेंट का जो भी था आपको क्वेश्चन है सब ये कर दिया मैंने आ, क्लियर आउट कर दिया तो यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम देख लो फिर से कंप्यूटर साइंस का फिर से वही दो मार्क्स पेपर वन थियरी फिफ्टी मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल फिफ्टी मार्क्स का रहेगा पेपर टू में भी थियोरी फिफ्टी मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल फिफ्टी मार्क्स का रहेगा मतलब फिफ्टी फिफ्टी मतलब है सौ मार्क्स प्रैक्टिकल सौ मार्क्स थियोरी हो गया तो आपको फिर उस हिसाब से डिसाइड करना है कि कितना करूँ मैं पढ़ाई फिर माँ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको वो कंप्यूटर साइंस था या इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पेपर वन इधर भी सेम फिफ्टी 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 मतलब हंड्रेड हंड्रेड आपका रहेगा जैसे कि मैंने बताया तो इसमें कितना ईजी है देखो स्कोरिंग करना आदत तो, आधा तो, तो आपको प्रैक्टिकली आ गया है इसमें और हाँ इसमें एक और रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको प्रोजेक्ट का भी रहता है दस दस मार्क का ठीक है ना ये एक्स्ट्रा रहता है इसमें तो इसमें एक एक्स्ट्रा आपको इधर इजी में आपको मिल जाता है फिर इधर ऐसा होता है ठीक है ना प्रोजेक्ट का रहता है और वाइवा वगैरह का ट्वेंटी मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है इसमें थर्टी थर्टी का प्रैक्टिकल्स रहता तो 10 -10 है तो दस दस मार्क का दस माह का प्रोजेक्ट दस माह का वाईवा ऐसा अलग से रहता है इसमें तो आपको इसमें मदद हो जाता है ठीक है बुक्स का मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आर डी सू पेकर और टी पी एस यू कैन फीस का वही फिर से बताने जाऊँ तो बताया था पिछले में फीस का आपको कैसा है पूरा ईयर में अगर देखा जाए फुल ईयर का जो फीस रहता है उसमें आपको कुछ एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स देखे तो ऑन एन एवरेज बेसिकली कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड है तो ऑन एन एवरेज ट्वेल्व टू एटीन थाउजेंड के अंदर एवरेज रहता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स uh, का फिर uh, आपका सी एस का भी सेम एक पाँच सौ हज़ार रुपये कम रहेगा फुल ईयर का मतलब सब सब्जेक्ट के साथ का बोल रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब सब्जेक्ट के साथ कैसा रहता है वेट डिपेंड्स अभी uh, कौन से कौन से कॉलेज का कैसा रहेगा पर एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ फिफ्टीन से ट्वेंटी या ट्वेल्व जैसा फिफ्टीन टू ट्वेंटी के अंदर या ट्वेंटी के अंदर हो सकता है जैसा जैसा हाई रहेगा शायद वो बढ़ा रहेगा और बेसिकली बस इतना है कि फाइव हंड्रेड थाउजेंड का डिफरेंस होता है इसमें ठीक है और करियर स्कोप तो मैंने बताया आप लोग दोनों भी करके कौन सा भी इंजीनियरिंग में जा सकते हो बस इसमें आपको मार्क्स स्कोरिंग करके टोटल में एडअप करना रहता है ठीक है ना और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स खास अगर करना ही है तो इधर अच्छे से कर लो इधर ही तो बेसिक्स क्लियर कर लो तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉमिकस करके अच्छे से कर सकते हो या इलेक्ट्रिकल अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो फिर कंप्यूटर साइंस करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आई इंजीनियरिंग वगैरह आप कर सकते हो बेसिकली कंपटीशन कॉम्पिटिशन कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा लोग डरते हैं और बोलते हैं ना ज़्यादा कोई जा इतना मतलब सब लोग जाते हैं ज़्यादा करके बट फिर भी कैसा होता है कि थोड़ा रेयर ऐसा देख सकता है पर कंप्यूटर्स कैसा सब लोग कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स बोलते हैं या आईटी हो गया आजकल पूरा आईटी टी एनेबल सर्विसेज चलता है आजकल आई मार्केट का ही चल रहा है सब कुछ तो ऐसा सोच के सब कम्प्यूटर सांस आई में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा कम जाते हैं लोग तो उधर कम कॉम्पिटिशन रहता है और इधर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ठीक है तो अभी बस इतना ही वीडियो में थैंक यू स्टूडेंट्स यही था मेरे को आपको कि सेशन और ये कमेंट्स का जो आपको डाउट्स था वही मुझे बताना था और मैं शायद से कुछ छूट नहीं रहा है मेरे से आ, फीस का हो गया ये करियर स्कोप का हो गया आपको और, और वॉटर्स जो भी क्वे, क्वे, क्वेरीज था आपका सब्जेक्ट्स स्कोप्स वगैरह सब्जेक्ट्स क्लास टेंथ ओके क्लास टेंथ के बाद कहीं बोल दिया मैंने आपको ट्वेल्थ के बाद कहीं बता दिया मैंने आपको ठीक है तो ओके फाइन तो टिल देन Have a good day. I will tell you, and again, I will tell you that subscribe my channel if you want the materials of electronics or computer science, some subjects, then you can subscribe. And if you like it with this video, then like this and uh, share it with your friends. Okay, so thank you. Have a good day.